कैसी लग रही है? बहुत प्यारी है। कब ली? जब तुम शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, अब ये भी बता दो कि किसके लिए ली है। फिलहाल तो रिंग पसंद की है, पहनने वाली भी मिल जाएगी। वैसे चॉइस तुम्हारी बहुत अच्छी है, देखो। थैंक यू। किस्मत भी इतनी अच्छी हो जाए तो क्या ही बात है। देखा, मैं कह रही थी ना कोई बात है। जल्दी बताओ किसके लिए ली। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं फारस, मैं ये नहीं ले सकती। क्या हो गया है? ऐसे फ्रेंड दे रहा हूँ तुम्हें, फ्रेंडशिप डे आने वाला है। वो तो कब का गुजर गया फारस, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू। बस मैंने रवायत तोड़ दी, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें। मजाक एक जगह फारिस, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं नहीं ले सकती। तो तुम भी तो अनमोल हो, मेरी खुशी के लिए ले लो यार। वाकई दिल रख रहे हो या दिल से कह रहे हो? दिल से कह रहे। थैंक यू फारिस। ऐसे मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। रियली? हाँ, पर इतना महंगा नहीं है। जो चीज तुम पसंद करो उसकी कीमत वैसे ही बढ़ गई। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हमेशा इतना स्पेशल फील कराती हैं। ओ वाओ, घर जाके देखना। ओके, थैंक यू। चलें। कौन है वो लड़की खान साहब जो इस तरह दंदनाती हुई हमारी फैमिली में एंटर होने की कोशिश कर रही है? क्या हो गया है बाहू जी? कल तक आप खुद ही कह रही थी कि शहरोज ने गलती की है, ब्लैकमेलर के साथ मिलके बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, और आज आप मुझे पे शक कर रही हैं। Yes, because I was sure that you were telling me the truth. लेकिन इस लीगल लेटर ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। क्या नाम है इस लड़की का? मेहर अंसारी। कोई तो इसके पास प्रूफ या विटनेस होगा जिसकी बेसिस पे इस मामूली सी लड़की ने ये बोल्ड स्टेप लिया है और खान फैमिली से टकराने की जरूरत की है। दो नंबर लोग हैं माऊ जी, मैं ऐसी बहुत सी फैमिलीज को जानता हूं बिजनेस में। इनके लिए फेक सबूत और गवाह लाना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये फैमिली मुझे कोर्ट में घसीट कर कोई लंबा हाथ मारना चाह रही है। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड खान साहब, कि अगर इस किस्से में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मेरे और आपके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे।